नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बांदूखेड़ी, जिसका ब्लॉक पड़ता है नाकुड़, जिला सहारनपुर। आइए चलते हैं गाँव में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था, हम आपको गांव में ले चलेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बांदूखेड़ी, जिसका जिला पड़ता है सहारनपुर। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन पर। हमारे बीच में सहारनपुर के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। कृषक के उत्पादक संगठन की आवश्यकता क्यों है, मैं पहले इस पर प्रकाश डालूंगा। दरअसल हमारे किसान जो भी उत्पाद पैदा करते हैं अपने क्षेत्रों पर, अंतोगत्वा उनको बाज़ार ले जाना पड़ता है। अगर हम इन सारी गतिविधियों को जो किसान व्यक्तिगत रूप से करते हैं, इनको समन्वित रूप में करें, तो इसमें किसानों के बहुत सारे खर्चे बचेंगे। जैसा कि कृषि आय को दुगना करने की बात की जा रही है, इस संदर्भ में कृषक उत्पादन संगठनों की भूमिका अहम हो जाती है। जैसे किसी गांव में 10 किसान सब्जी उत्पादन का काम करते हैं और वो अपने स्थानीय बाज़ार में अगर कृषि उत्पादों का विक्रय करने के लिए जाते हैं, तो सभी किसानों को अपना पृथक पृथक समय खर्च करना होता है। इसके साथ उनका किराया भी खर्च होता है और उनका पूरे दिन का समय जाता है। अगर हम कृषि उत्पादक समूह बनाते हैं और बहुत सारे कृषि उत्पादक समूहों को मिला करके एक कृषक उत्पादक संगठन खड़ा करते हैं, तो इसमें सारी गतिविधियां जो कृषकों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती हैं, वो समन्वित रूप से हो जाती हैं और बहुत सारे किसान पृथक पृथक भूमिका में काम करते हैं। उनका समय और धन दोनों की बचत होती है और वो एक बेहतर उत्पादन का लाभ प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया किस तरीके से आप किसान उत्पादक संगठन का लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से उन्होंने किसान उत्पादक संगठन शुरू किया और आज किस स्तर पर है। जी आप बताएं। कृषक उत्पादक संगठन की शुरुआत अब से 2015 में शुरू की थी। मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ और 2015 में जो मेरी माताजी थी उनको कैंसर हुआ और मैं अस्पताल में 3 महीने तक उनके साथ रहा। वहाँ पर जो चर्चा होती थी, जो उसके केयर टेकर थे, कि कैंसर क्यों फैल रहा है, तो सब एक ही बात बोलते थे कि कीटनाशक पेस्टिसाइड की वजह से। तो तभी से मैंने निश्चय किया, बेंगलोर गया मैं और मैंने अपना वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया। उसके बाद आके यहाँ पर काफ़ी चर्चा की अपने जो साथी हैं उनके साथ कि क्या किया जाए। तो हम सब ने मिलकर अनाग्राम कृषक उत्पादक संगठन के नाम से ये समूह बनाया और सबसे पहले हमने इस समूह में जो जैविक खेती को अपना लक्ष्य बनाया। जैविक खेती में जैसे हमने सब्जी, गेहूं और सरसों, धान ये उगाना शुरू किया। अब सबसे बड़ी समस्या ये आई कि किसान जैविक तो उत्पादन कर ले, उसको बेचेगा कहाँ। तो उसके लिए हमने एक मार्केटिंग अलग बनाया और उसके लिए एक जैविक रथ शुरू किया हमने, जो हमारी जैविक सब्जियां सहारनपुर लेके जाता है। उसके कुछ पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पर उनकी बिक्री होती है। और हमने एक अलग अलग उपभोक्ता संगठन का ग्रुप बना अपने साथ, जो व्यापारी संगठन के लोग हैं, डॉक्टर, व्यापारी, और उनको एक मोबाइल पर ग्रुप बनाया और उसके साथ जोड़ा। और उनको जैसे जैविक रथ की पहले ही सूचना दे दी जाती है कि ये 7 बजे या 6 बजे आपको उस पॉइंट पे मिलेगा। बात करें आपके संगठन की, तो आप आगे किस स्तर पर लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी
हमारे संगठन में एक समस्या और आ रही है, किसान उत्पादन कर रहे हैं और हमारे पास ले आ रहे हैं, तो हमने जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई वो छोटा है, जैसे तेल निकालने का दाल मिल है, अब हमको बड़ी दाल मिल और बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। और समय समय पर जैसे अपने उप कृषि निदेशक हैं, कृषि के संयुक्त कृषि निदेशक हैं और केवी के डॉक्टर कुशवाहा जी हैं जो वैज्ञानिक है, समय समय पर इनकी भी सहायता गाइडेंस हमें मिलती रही और आगे भी यही चाहेंगे कि इसी तरह इनकी गाइडेंस मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताएं, आप ये बताइए पहले तो आपका कार्य क्षेत्र क्या है आपके किसान उत्पादक संगठन में? इसमें कार्य जो जैविक खेती है तो क्लस्टर के रूप में खेती, जैविक क्लस्टर, एक गांव हमने कुछ गांव चुने हैं अपने जी। तो उसमें एक जैविक क्लस्टर, तकरीबन एक कम्पैक्ट दायरा जिसमें जो कुछ जुड़े भी हैं किसान जी। और जैसे वेजिटेबल है, वेजिटेबल में भी कर रहे हैं किसान, जुड़ रहे हैं, जैविक रथ बनाया है और वेजिटेबल का भी अच्छा मार्केट जो है सहारनपुर में हमें मिल रहा है। आपका क्या सहयोग है उत्पादक संगठन में? मैं इसमें एज ए डायरेक्टर हूँ और मुझे अंदर से खुशी मिलती है जब मैं करता हूँ। एक तरह का बिजनेस तो है ही है, एक समाज सेवा भी है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव कि किस तरीके से वो संगठन को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी आप बताएं। सर मेरा नाम चंद्रपाल है, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ और सर इसमें हम किसानों को बीज, खाद, दवाई, जैविक और वर्मी। संगठन से आप किस तरीके से जुड़े? संगठन से सर ये क्या है, ये पेस्टिसाइड, ये इसका कैंसर जो बताया सर ने उसके ही उससे जुड़े हैं, इस वजह से जुड़े जी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव कि जो संगठन से जो जुड़े हैं उनका जुड़ने का क्या रीज़न क्या है, कि किस लिए जुड़े हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। अपनी चीज़ बेचने के लिए आओ है ना तो पूरा मूल्य नहीं मिल पाता, ये संगठन बने ना इसमें किसान अपना यहाँ माल बेचे ना इसकी वो मिले, बचोली बेच के बचोली तो बचे। अच्छा फिर कृषि साधनों के बारे में बताओ जी, पूरा कृषि साधन इतने हमारे तक पहुँच नहीं पाते, उससे पहले छूट जाए हमें, जैसे आंधी मशीन आई या वैसी थी में ख़राब होगी, आंधी चल गई मैं बेकार पड़ी, मैं कबाड़ियों की चली जाऊँ सारी, तो ये समस्या है जी। तो मेरा माल है जी, कल हम सब्जी पैदा करें, अनाज पैदा करें, वो भी हमें यहाँ मिलना चाहिए, उसका पैसा भी सही मिलना चाहिए बाजार में। संगठन से जुड़ के आपको लाभ हुआ है? लाभ हो रहा जी, अगर पर पूर्ण लाभ नहीं हो पा रहा है जो, क्योंकि अनाज भी यहाँ बिका हमारा, अनाज भी तो बिकना चाहिए ना उरी जी, तो उससे सब्जी बिकनी चाहिए, जैसे हमें भी सब्जी लगा हुआ यहाँ दे, इन्हें इतना होना चाहिए भाई, इतनी खपत होनी चाहिए इनके अंदर भाई, इतना बड़ा माल कहीं ले जो फेरी है। किसान भाई ने बताया कि वो संगठन से तो जुड़े हैं पर संगठन के साथ जुड़ने के बाद उनको थोड़ी सी कठिनाई ये आ रही है कि उनका जो अनाज है वो चाहते हैं वो भी हमारा इस संगठन के द्वारा ही बिके जिससे उनको लाभ हो। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है सब किसान बीमा कराए।
किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बांदूखेड़ी की चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की। हमारे बीच में किसान भाई भी मौजूद हैं। मैं उत्पादक संघ बांदूखेड़ी से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे हमने सबसे बड़ी बात ये अंतर लगा कि यहाँ से जो हमें सब्जी जो उत्पाद मिलेंगे वो कीटनाशक मुक्त होंगी। हमारी आंखों के सामने ये उत्पादन तैयार भी करते हैं और वास्तव में कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते। और जो उत्पाद हम यहाँ से प्रयोग करते हैं उसमें वास्तव में ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ, हाँ, हम प्रयोग कर रहे हैं। जो सामान्य सामान हैं उनकी अपेक्षा वो सब्जियाँ, वो जो बीज हमें मिलते हैं वो ज़्यादा अच्छे हमें लगते हैं। उत्पादकता के मामले में भले ही थोड़ा सा हमें जो है वो संतोष करना पड़ा है, क्योंकि जैविक में उतना कम नहीं हो पाता लेकिन थोड़ा कम हो जाता है उत्पादन। कहने का मतलब आपका ये कि अगर जैविक खेती अगर करते हैं तो उसमें उत्पादन की कमी आती है। उत्पादन थोड़ा सा कम हो जाता है और उत्पादन के साथ साथ उसकी जो पोषकता है वो बढ़ती है, वो बढ़ती उत्पादन घटता है। बीच में विशेषज्ञ बैठे हैं, तो हम सवाल करते हैं कि सर, जैसे कि हमारे किसान भाई ने कहा है कि उत्पादन की उनको कमी आ रही है जब जैविक खेती कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है? देखिए, जहाँ तक बात है उत्पादन में कमी का, तो ये देखा जाता है कि ज़मीन में कितनी उर्वरा शक्ति है, ठीक है ना। अगर उसमें उर्वरा शक्ति पर्याप्त है, जो संतुलित है, तो उसमें उत्पादन में कमी नहीं आती है। दूसरी बात आती है कि जो केमिकल डालते हैं, रासायनिक खादें आती हैं, ये बूस्टर का काम करती हैं। इससे उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमी होती है। तो दो पॉइंट होते हैं, अगर आप जैविक खेती करते हैं तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है। तो इसमें यदि रेट मिलता है किसान को तो उत्पादन कमी होने के बाद भी उसमें उसके प्रॉफिट में कोई नुकसान नहीं होता है। इस हल्का सा परिवर्तन होता है क्योंकि वो बूस्टर का काम जो रासायनिक उर्वरक है वो प्रयोग नहीं किया जाता इसमें। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया किस तरीके से आप अपना उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताएं। यहाँ पे किसानों से संबंधित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, बहुत ही कम रेट पे मुहैया कराते हैं बीज के बिचौलियों से जो बच सकें, और बहुत ही कम खर्चे पे इन्हें। कितना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? किसान उत्पादक संगठन जब आपने नहीं बनाया था और आज बना लिया है, तो बदलाव कितना महसूस कर रहे हैं? बदलाव बहुत, जिन किसानों के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स खरीद नहीं पाते थे, हम उन्हें सरकार से लाभ दिलवा के और कम से कम 80% को हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दिलवा दिए, जिनकी लेने की भी हिम्मत नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में हमारे प्रयास हैं, ये चल रहे हैं अभी, जैसे भाई जी ने बताया अभी प्रयासरत हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताएं। जी यहाँ पे किसान आते हैं, उनकी हम पूरी हेल्प करते हैं जो हमारे से बन पड़ती है। उन्हें मतलब जो है धान का बीज वगैरह जो भी चीज़ है उन्नत किस्म की भी मतलब जो है दिलवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जो भी किसान आता है यहाँ पे उसकी पूरी सेवा करते हैं। आपका क्या कार्य क्षेत्र है? मेरा कार्य क्षेत्र यहाँ पे मतलब जो है पंजीकरण करना, किसानों का पंजीकरण करना, और जो है उनके जो फार्म वगैरह हैं उन सबको मतलब जो है उन्हें बताना और लेना, वो काम है जी मेरा। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, बताया कि आपको इस योजना से जुड़ के लाभ मिलेगा। और उनका अपना अपना एक कार्य क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कोई डायरेक्टर हैं तो किसी का काम जितने भी दस्तावेज़ हैं उनको पूरा करना, तो इस तरीके से सबका अपना अपना एक कार्य है। और आपको बता दें, अगर आप भी किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कृषि विभाग में जाके आप इसको कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, अभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। इस वक्त हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की, हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर एक बात बताइए, जो किसान भाई किसान उत्पादक संगठन शुरुआत करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? हाँ, जो किसान भाई कृषक उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है, फील्ड के जो कार्यकर्ता हैं, उनको हम निर्देशित करते हैं कि इस तरह के विभिन्न गतिविधियों के, जो कृषि की गतिविधियाँ हैं, जैसे बीज उत्पादन का है या सब्जी उत्पादन का है या तिलहन उत्पादन का है, इस तरह के समूह बनाए। और अगर कोई किसान या कोई किसानों का समूह इस तरह का कार्य करना चाहते हैं तो हम उसको प्राथमिकता के आधार पर समूह के रूप में पंजीकृत कर लेते हैं और फिर विभिन्न सारे समूहों को पंजीकृत इकट्ठा करके उनका कंपनी एक्ट के तहत पंजीकरण करवा के उसको कृषक उत्पादन संगठन के रूप में ले आते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ सारी परामर्शी सुविधाएँ हैं, निरंतर उपलब्ध हैं। कोई किसान आते हैं तो हम उनका क्षेत्र का भ्रमण करके उनको आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, उनके लिए क्या अभिलेख ही आवश्यकताएं होगी वो बताते हैं और तदनुसार उनके पंजीकरण की दिशा में कार्य करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी मेरे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई बैठे हैं जो सवाल करना चाहते हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल करना चाहते हैं। सवाल तो ये है सर, अगर हम जैविक खेती करें तो उसकी ट्रेनिंग का क्या प्रावधान है, कैसे हमें सूचना मिले या हम कहाँ ट्रेनिंग लें? किसान भाई ने सवाल किया है कि जब वो जैविक खेती करेंगे तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ से ले सकती हैं और उनको सूचना कहाँ से मिलेगी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक कृषि के लिए देश में राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद में स्थापित है, जो जैविक खेती के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर पूरे देश में काम कर रहा है और इसके लिए कृषकों के प्रशिक्षण और कृषि विभाग और उसके कृषि अनुसंगी विभागों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगर कोई कृषक जैविक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो हमसे संपर्क करें या हमारे कार्मिकों के माध्यम से हमें कोई ऐसी सूचना मिलती है कि कोई कृषक जैविक कृषि के प्रशिक्षण को लेना चाहता है तो ऐसे कृषकों को हम राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र भेज करके प्रशिक्षण दिलाते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आप जैविक खेती की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय जैविक केंद्र जो गाजियाबाद में है आप वहां जाकर उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं जो सवाल करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो जैविक खेती करते हैं तो उसमें कीट का प्रकोप हो जाता है, सुंडी वगैरह आ जाती है, तो उसका क्या समाधान है जी? किसान भाई ने सवाल किया है जो कीट का प्रकोप जो जैविक खेती में हो जाता है उसका निदान कैसे पा सकते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती में जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं होता, इसके लिए राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र ने तमाम इस तरह के कृषि रक्षा उत्पाद तैयार किए हैं जिनमें कोई रसायन नहीं होते हैं, उनका प्रयोग करने के लिए कृषकों को सलाह दी जाती है, वो कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
तो इसमें निश्चिंत रहिए कि इसमें रसायनों का प्रयोग करना आवश्यक है, रसायनों की कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह के। सर, हमारे 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 जो किसान भाइयों ने सवाल किया था, कीट से कैसे निदान पा सकते हैं? कीट से निदान पाने के लिए जैसे अब दीमक की बात आती है, दीमक के नियंत्रण के लिए अगर हम रासायनिक पद्धति का उपयोग करते हैं तो उसमें हम क्लोरोपाइरीफास कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, लेकिन दीमक को समूल नष्ट करने के लिए हम रसायन का प्रयोग ना करें, इसके लिए ब्यूबेरिया वेसियाना जैविक कीटनाशक उपलब्ध है। अगर उसका हम प्रयोग करते हैं तो हमें किसी रासायनिक कीटनाशक की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से सभी कीटनाशकों के हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। सर, किसान भाई ने कहा था कि अगर सुंडी का जो प्रकोप आ जाता है तो उसे कैसे निदान पा सकते हैं? देखिए, सब्जियों में सुंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, इसके निदान करने के लिए बहुत से चीज़ें आई हैं। जैसे मान लीजिए अगर जिन खेतों में सुंडी का प्रकोप होता है तो उसमें फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, ट्राइकोग्रामा कार्ड लगा सकते हैं, नीम का तेल का छिड़काव कर सकते हैं, लाइट ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसी तकनीकियां हैं जिनका प्रयोग आराम से जो है सस्ते दरों पे आराम से किसान कर सकता है। ये जितने भी चीज़ें हमने बताई हैं, केवल नीम का तेल का छिड़काव करना पड़ता है, बाकी की चीज़ें एक जगह लगा देनी पड़ती है, इसमें अपने आप एडल्ट आकर्षित होकर आता है और ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी तकनीकियाँ हैं, अगर इनका प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी और किसी भी कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कीट आपके खेत में नहीं पाया जाएगा। आज हम आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन की, हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे बीच में विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, और हमारे बीच में जो किसान भाई जो सवाल करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। ये जो हम जैविक कलस्टर लगाना चाहते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाना पड़ेगा? किसान भाई ने सवाल किया है कि वो जैविक क्लस्टर लगाना चाहते हैं, किस तरीके से वो लगा सकते हैं, हमारे बीच विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक कृषि करने के लिए सबसे पहले जैविक कृषि की दिशा में पंजीकरण की आवश्यकता होती है, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को अधिकृत किया है जहाँ पर कृषकों के पंजीकरण किया जा रहा है, जिसमें एपीडा एक अग्रणी संस्था है। एपीडा के कार्मिकों से संपर्क करके किसान भाई वहां अपना आवेदन दे सकते हैं और ऑनलाइन भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर किसी किसान भाई को इसमें कोई दिक्कत आती है, परेशानी है, तो वो हमारे कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करें, हम वहां का तत्काल उनका पंजीकरण करा देंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपने देखा कि बांदूखेड़ी के जो किसान हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना किसान उत्पादक संगठन को बनाया और आज वो किस स्तर पर लेके जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जैविक खेती का एक रथ बनाया है, जो रथ का एक समय है वो किस समय तक वो मार्केट में जाता है और उनकी जो सारी वेजिटेबल्स हैं वहाँ पर सप्लाई होती हैं। आपको बता दें कि किसान उत्पादक जो संगठन है आप भी बना सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है, आप कृषि विभाग में जाकर उनसे संपर्क करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गाँव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।